नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। आइए देखते हैं आज की खास खबर। वहीं महाराष्ट्र इस समय कोरोना वायरस के संक्रमण की सबसे ज्यादा मार झेल रहा है। कल यहां 47 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद संक्रमित मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 537 हो गई है। ट्रंप ने मांगी पीएम मोदी से मदद। कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले अमेरिका में सामने आए हैं। यहां 3 लाख से ज्यादा लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं और लगातार संक्रमित लोगों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिका में अब तक 8,000 से ज्यादा लोग इस वायरस की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद मांगी है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन टैबलेट्स मुहैया कराने का अनुरोध किया है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहें एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।